प्रथम तहलका न्यूज। इस बात के लिए बड़ी खबर यमुनानगर से। आपको बता दें कि यमुनानगर में आढ़ती एसोसिएशन का प्रदर्शन लगातार जारी है। धान की खरीद न होने को लेकर यहां जाम लगाया गया है। आपको बता दें कि मांगों को लेकर आढ़ती एसोसिएशन ने आमरण अनशन पर जाने की बात कही है, तो वहीं बड़े आंदोलन की चेतावनी आढ़ती एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीते कई दिनों से आढ़ती एसोसिएशन हड़ताल पर है, तो वहीं यमुनानगर में भी धान की खरीद न होने को लेकर आढ़ती एसोसिएशन ने हाईवे जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर आढ़ती एसोसिएशन का आमरण अनशन जारी है, तो वहीं एसोसिएशन ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बड़ी खबर यमुनानगर से। इस बात के लिए बड़ी खबर यमुनानगर से। आपको बता दें कि यमुनानगर में आढ़ती एसोसिएशन का प्रदर्शन लगातार जारी है। धान की खरीद न होने को लेकर यहां जाम लगाया गया है। आपको बता दें कि मांगों को लेकर आढ़ती एसोसिएशन ने आमरण अनशन पर जाने की बात कही है, तो वहीं बड़े आंदोलन की चेतावनी आढ़ती एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। आपको बता दें कि हरियाणा में बीते कई दिनों से आढ़ती एसोसिएशन हड़ताल पर है, तो वहीं यमुनानगर में भी धान की खरीद न होने को लेकर आढ़ती एसोसिएशन ने हाईवे जाम लगाकर प्रदर्शन किया। मांगों को लेकर आढ़ती एसोसिएशन का आमरण अनशन जारी है, तो वहीं एसोसिएशन ने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बड़ी खबर यमुनानगर से। बीजेपी सरकार हमारे से दिल में दर्द यह है कि जो फसल पड़ी है ना, कम से कम मेहनत आढ़तियों का आंदोलन 19 तारीख से चल रहा है। मंडियों में स्ट्राइक है, वहाँ काफी संख्या में अनाज किसानों को पड़ा है। हमने देख के रोना आता है कि हम क्या जवाब दें किसान को, उसकी 6 महीने की कमाई और वहाँ पर बात हो रही है, और सरकार को बिल्कुल भी इस बात की कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। हमने शिक्षा मंत्री जी के वहाँ गए, ज्ञापन दिया कि हमारा जल्दी सरकार के बीच में समझौता कराइए, बैठ के हमारा फैसला कराइए,
कम से कम हमारी नहीं सुध लीजिए, किसान की तो लीजिए। जो किसान की वहाँ 6 महीने की कमाई पड़ी है उसको जल्दी समेट लेंगे ताकि किसान का नुकसान ना हो। लेकिन इस सरकार ने आर्थिक को तो चिंता थी नहीं, लेकिन किसान की भी नहीं है। कम से कम किसान का दर्द समझ लिया होता। कोई ज्यादा बड़ी मांग है हमारी? कोई मांग नहीं, नहीं हमारा कुछ भी नया नहीं। सिर्फ हम यही चाहते हैं जो 2.5% हमारी कमीशन थी पहले, वो हमारी जो कितनों दे दी जाए और भुगतान जो है किसान का उसकी इच्छा के अनुसार हो, और ये कैप न लगाई जाए जिस प्रकार की कैप लगाई है। 46 रुपये फिक्स कर दिया, सदा पॉलिटिशियनों के आगे हाथ पसारने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा कोई बुरी नीयत से फैसला न लिया जाए, और जो ईनेम व्यवस्था सरकार ने लागू करी जो व्यवहारिक और पॉसिबल नहीं है, जो इतनी जटिल है जो उससे काम हो ही नहीं सकता, उसको क्यों धक्का कर रही है सरकार? कम से कम उसकी स्टडी की जाती। शीर्ष अधिकारी कोई भी उसको एक्सप्लेन करने के लिए तैयार नहीं, समझाने के लिए तैयार नहीं कि ईनेम चीज है क्या। उनको खुद भी नहीं पता, लेकिन धक्के से उसको लागू करना चाहती है। हमारी सरकार से यही मांग है, किसान और आर्थिक का जो भाईचारा है उसको बनाए रहने दें, इस देश और प्रदेश की तरक्की को ध्यान में रखें। अगर आपके पास इतनी बढ़िया कोई व्यवस्था है, इतनी बढ़िया कोई योजना है, तो बिहार पड़ा है आपके पास, आंध्र पड़ा आपके पास, राजस्थान पड़ा है, अरे प्रधानमंत्री जी तेरे पास तो गुजरात पड़ा है, उसको तो संवार ले पहले, अपने किसान की दशा तो ठीक कर ले। अगर तेरा कोई इतना बढ़िया मिशन और तेरे पास कोई इतना बढ़िया विजन है तो गुजरात को ठीक कर ले, हरियाणा पंजाब के इस भाईचारे को मत बर्बाद कर, वरना ये ऐसे लोग हैं। अभी देखा आपने 3 कृषि कानून वापस करवाए थे, अगर इन्होंने अंगड़ाई ले ली तो ये आपके लिए भारी पड़ जाएगी। और हम यही चाहते हैं, हमारे आर्थियों ने कभी मुंह नहीं खोला, कभी किसी सरकार के खिलाफ नारे नहीं मारा, लेकिन इन्होंने हमें भी रोड पे लाके छोड़ दिया। जो हमारा सदियों से भाईचारा चल रहा था, दोनों का हम निभा रहे थे अपने रिश्ते, लेकिन सरकार बीच में आ गई रिश्ते खराब करने के लिए। तो मेरी उनसे यही मांग है कि जल्द से जल्द फैसला ले। और हमारे साथी वहां अमरण अनशन पे आज बैठ रहे, मेरी भी बारी है, मैं भी जा रहा हूँ। इस सरकार को मानना पड़ेगा, इतना मजबूर कर देंगे, मानना पड़ेगा। जितनी जल्दी मान लेगी उतनी बढ़िया, वरना बेइज्जती करा के मानेगी।